मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विश्वजीत भटनागर ज्ञान इंस्टीट्यूट परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं अपनी सेकंड वीडियो लेके आया हूं। टेंथ क्लास के लिए मैंने सोशल साइंस में ज्योग्राफी में लास्ट वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रखे थे जो सिर्फ जियोग्राफी से रिलेटेड थे। नेक्स्ट मैं आज वीडियो जो लेके आया हूँ जो 2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स में आते हैं, जिन्हें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कहते हैं, तो उनको लेके आया हूं। तो देखते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर फॉर 10th class SST। Question number 1, व्हाट इज मीन्ड बाय सोइल इरोजन? सोइल इरोजन का क्या मतलब होता है? तो आंसर इसका ये है, सोइल इरोजन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अवे और वॉशिंग अवे ऑफ द सोइल कवर बाय विंड और रनिंग वॉटर। सोइल इरोजन मीन्स होता है मिट्टी का किसी भी तरीके से कटाव होना, टेकिंग अवे मीन्स बह जाना, वॉशिंग मीन्स धुल जाना मिट्टी किसी भी तरीके से, तो उसको बोलेंगे सोइल इरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय सोइल कंजर्वेशन? सोइल कंजर्वेशन मीन्स होता है जो सोइल का कंजर्वेशन मीन्स उसका जो संरक्षण होता है, उसे कैसे बचा सकते हैं मिट्टी को। तो जो आंसर है, प्रिवेंशन ऑफ सोइल इरोजन और डिप्लेशन इज कॉल्ड सोइल कंजर्वेशन। सोइल कंजर्वेशन किसे बोलते हैं? मिट्टी सोइल के इरोजन को या फिर डिप्लेशन को। द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हैज रिजल्टेड, जिस तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है इसका जो रिजल्ट है, इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रक्शन होता जा रहा है, मतलब कम होते जा रहे हैं। देयरफॉर टू प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन, इसलिए डिस्ट्रक्शन को हमें रोकना होगा, सोइल कंजर्वेशन इज नेसेसरी, और सोइल का कंजर्वेशन जो है आवश्यक है, नेसेसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ अंडरग्राउंड वाटर? अंडरग्राउंड वाटर के क्या क्या सोर्सेस हैं? तो इसका जो आंसर है, इट इज ऑब्टेंड ऑन द सरफेस, यह है सरफेस पे मीन्स धरातल पे हमें मिलता है पानी, थ्रू वेल्स कुओं के द्वारा एंड ट्यूबवेल्स के द्वारा, एंड इज यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स फॉर इरिगेशन पर्पस, और ह्यूमन बींग्स द्वारा इसको यूज किया जाता है सिंचाई के लिए, इरिगेशन पर्पस, गार्डनिंग के लिए एंड इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, और इंडस्ट्रियल पर्पस में भी इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Question number 4, विच नेचुरल डिजास्टर्स ऑक्यूर एब्रप्टली? एब्रप्टली मीन्स अचानक से कौन सी नेचुरल डिजास्टर आ जाती है। राइट एनी टू, किसी भी 2 डिजास्टर्स के नाम लिखने हैं। आंसर है इसका, डिजास्टर दैट अपीयर अप्रप्टली, अचानक से जो डिजास्टर आ जाती हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, सुनामी, इरप्शन ऑफ वॉल्केनो, लैंडस्लाइड, फ्लड, क्लाउडबर्स्ट एसेट्रा, ये सारी जो है ये प्राकृतिक आपदाएं हैं जिन्हें हम इंग्लिश में डिजास्टर बोलते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज नॉट? नॉट क्या है? तो नॉट इज अ यूनिट टू मेजर द स्पीड ऑफ विंड, हवा को नापने की, विंड को नापने की एक इकाई है, एक यूनिट है नॉट। 1 knot इज इक्वल टू 1.85 किलोमीटर, और 1 knot में कितना होता है? 1.85 किलोमीटर होता है। इट मीन्स दैट द विंड इज ब्लोइंग एट अ स्पीड ऑफ 1.85 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है कि जो हवा चलती है वो 1.85 या 1.85 किलोमीटर पर आर चलती है, और 1 knot इज इक्वल टू 1 nautical mile। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Question number 6, व्हाट इज व्हाइट रिवॉल्यूशन? व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या है? आंसर है इसका, व्हाइट रिवॉल्यूशन रेफर्स टू इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है उससे रिलेटेड है ये व्हाइट रिवॉल्यूशन, थ्रू डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम, और जो प्रोडक्शन होता है वो डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत होता है। Question number 7, मेंशन एनी 2 uses ऑफ माइका। माइका के यूजेस लिखना है, तो फर्स्ट क्या है, कहां यूज होता है माइका? आंसर है इसका, इन मेकिंग मेडिसिंस, मेडिसिंस को बनाने में, इन कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी एसेक्टा, बोले इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Question number 8, विच आर द सोर्सेस ऑफ ऑब्टेनिंग अंडरग्राउंड वाटर? अंडरग्राउंड वाटर को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से सोर्सेस हैं? इसका जो आंसर है, फॉलोइंग आर द सोर्सेस ऑफ ऑब्टेनिंग अंडरग्राउंड वाटर,
जैसे कि वेल्स एंड टू वेल्स एसेट्रा। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए हम फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ खास जानकारी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में दीजिए अपना फीडबैक। अब दें हमें इजाजत, नमस्कार।